हे दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करके मार्केट का मूवमेंट कॉल कैसे हो सकता है उसके बारे में डिटेल्स पे जानने जा रहे हैं। दोस्तों, आप ये वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो के माध्यम से कुछ भी नॉलेज मिलेगा तो ये वीडियो को लाइक करने के साथ सबके साथ इसको शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करके कॉल कैसे मूवमेंट हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, हम अभी निफ्टी 50 के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। निफ्टी 50 के बाद मैंने निफ्टी बैंक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि मार्केट का मूवमेंट कॉल कैसे हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप निफ्टी 50 के ऊपर ये चार्ट को देखोगे तो उसका ओवरऑल जो ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। और देखिए, बीच बीच में ये जो करेक्शन है, ये छोटा छोटा करेक्शन आता रहता है। जनरली ये जो करेक्शन है, ये अराउंड 10-10% के आसपास ये करेक्शन देता है और उसके बाद फिर दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। और देखिए, ये लेवल से अगर आप कैलकुलेट करोगे, देखिए ये हाई को मैंने ले लेता हूँ, तो बेसिकली 15,440 रेंज के आसपास ये जो मार्केट आया था, इसी लेवल से ये जो लो बनाया 14,477। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे कितना पॉइंट का डाउनफॉल देखने के लिए मिला था, आपको बता देता हूँ। 15,437 से 14,477, तो देखिए 960 पॉइंट के आसपास ही डाउनफॉल हमको देखने के लिए मिला था। और ये जो डाउनफॉल था, ये लगभग 6-7% का डाउनफॉल था। और 6-7% का डाउनफॉल के बाद देखिए, ये लेवल से हमको शार्प रिकवरी देखने के लिए मिला है। और जब मार्केट अराउंड 14,650 रेंज के आसपास आया था, ये रेंज के आसपास मैंने आपको अपडेट किया था कि मार्केट इसी लेवल से टर्न ले सकता है। और मेजर प्रोबेबिलिटी ये लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन रहा था कि मार्केट इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा बोल के। दोस्तों, ये लेवल से भले मार्केट 100-150 पॉइंट नीचे की तरफ आया था, उसके बाद भी इससे शार्प रिकवरी देखने के लिए मिला है। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो किया है, ये बेसिकली एक बुलिश हैरामिड का कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करके ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से जो बुलिश पैटर्न फॉलो करता है, मार्केट काफी तेजी से बाउंस बैक दे रहा है। और दोस्तों, इसको हम सपोर्ट लेवल कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये जो लेवल है, ये लेवल बेसिकली एक डबल बॉटम लेवल के आसपास आ रहा था। और डबल बॉटम लेवल जनरली बाई का लेवल होता है। और ये बाई का लेवल के आसपास देखिए, यहाँ पे ये बुलिश हैरामिड का पैटर्न फॉलो किया। और इसके बाद देखिए, ये जो पैटर्न फॉलो किया, ये कामर का पैटर्न है। और उसके बाद देखिए, काफी तेजी से बाउंस बैक देखने के लिए मिला है। और कितना दिनों से ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था 15,180 रेंज के आसपास, ये रेजिस्टेंस लेवल को भी मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ चुका है। तो दोस्तों, अभी मार्केट इसका ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन बेसिकली ये जो लेवल है, ये लेवल मार्केट के लिए काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बनने वाला है। तो कल एक्सपायरी है। अगर आप एक्सपायरी का डे को ठीक से ट्रैक करोगे तो एक्सपायरी का डे पे मार्केट जनरली एक रेंज के अंदर मूव करता है। एक रेंज मतलब एक स्पिनिंग टॉप टाइप का पैटर्न फॉलो करता है। तो स्पिनिंग टॉप पैटर्न कैसे होता है, देखिए स्पिनिंग टॉप पैटर्न पे इसका दोनों साइड अगर सेम टेल रहता है, इस टाइप का पैटर्न को स्पिनिंग टॉप पैटर्न बोलते हैं। तो ये स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करता है और मार्केट एक रेंज के अंदर जिगजैग मूव करके उसी रेंज के आसपास ही क्लोजिंग देता है। इसीलिए दोस्तों, कल जो मूवमेंट होगा, कल बेसिकली मार्केट एक रेंज के अंदर मूव करेगा। तो दोस्तों, कल हमको कोई भी एग्रेसिवली पोजिशन नहीं लेना है, मार्केट का ट्रेंड को फॉलो करके जाना है। पोजीशन का कल बनाना चाहते हो तो बेसिकली अगर आप ऑप्शन राइटिंग के ऊपर काम करोगे, आपको प्रॉफिट मिलने का ज्यादा चांस रहेगा। तो देखिए, ऑप्शन राइटिंग के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, किसी ऑप्शन के ऊपर आप बेसिकली काम कर सकते हो। तो देखिए, कल वीकली एक्सपायरी है। अगर आप आउट द मनी ऑप्शन पे काम करोगे, वो आउट द मनी ऑप्शन जीरो होने का ज्यादा चांस रहता है। तो देखिए, मार्केट का जो मूवमेंट है, मार्केट का मूवमेंट अगर ये 15,270 रेंज से, बेसिकली ये रेंज से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आप मिनिमम 100 पॉइंट डाउन से जो पुट है उसको आउट द मनी बोलते हैं। तो 100 पॉइंट डाउन का पुट को आप सेल कर सकते हो।
तो सेफ साइड रहेगा। 100 से लेकर 150 पॉइंट डाउन अगर आप पुट को सेल करोगे तो आपको एक डिसेंट इनकम मिलेगा। और देखिए दोस्तों, मैंने ये रेंज मार्क कर रहा हूँ। बेसिकली मार्केट अगर ये रेंज से ऊपर लेवल के आसपास ट्रेड करेगा तो आपको ये पुट पे होल्ड करना है। अगर मार्केट 15,000 to 40 रेंज को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ जाता है तो आप उस पे लॉस बुक करके निकल जाओगे। और 150 पॉइंट ऊपर का जो कॉल होगा, तो देखिए 150 पॉइंट ऊपर का कॉल मतलब 15,250 + 150 अगर आप करोगे तो 15,400 रेंज के आसपास आ रहा है। तो ये लेवल के आसपास जो कॉल होगा वो कॉल को आप सेल कर सकते हो। तो अगर आप ये सिंपल प्रोसेस को फॉलो करोगे तो मेजर चांस है आपको कल एक डिसेंट इनकम मिलेगा ही मिलेगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप फ्यूचर के ऊपर काम करना चाहते हो, देखिए मैंने यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न ओपन किया है, उसका वॉल्यूम को मैंने अभी ओपन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कल ये वॉल्यूम को देख के ऐसे लग रहा है, देखिए इतना बड़ा बाइंग आने के बाद भी ये वॉल्यूम अगर आप देखोगे, ये वॉल्यूम इसका प्रीवियस डे का वॉल्यूम से नीचे है। इसका मतलब ये है इसी रेंज के आसपास कल मार्केट ट्रेड कर सकता है। अगर हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो मेजर चांस बनता है मार्केट और तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन दोस्तों, कल एक्सपायरी है और यहाँ पे इतना वॉल्यूम भी नहीं आ रहा है, इसीलिए मेजर चांस ये रहेगा मार्केट एक रेंज के अंदर मूव करने वाला है। आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप फ्यूचर के ऊपर बाय करना चाहते हो तो किसी लेवल के आसपास आप बाइंग करोगे और आपकी स्टॉप लॉस और टारगेट किसी लेवल के आसपास रहेगा। देखिए दोस्तों, बेसिकली अगर आप फ्यूचर के ऊपर बाइंग करना चाहते हो, आप 15,325 रेंज के आसपास फ्यूचर के ऊपर बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। अगर 15,325 पे बाइंग का पोजीशन बनाओगे, आपकी जो स्टॉप लॉस रहेगा 75 पॉइंट नीचे की तरफ, मतलब 15,250 रेंज के आसपास, और 150 पॉइंट ऊपर की तरफ आप टारगेट लेके जा सकते हो। तो देखिए 15,325 + 150 अगर आप करोगे, 15,475 रेंज के आसपास आपकी टारगेट रहेगा। तो मैंने ये लेवल के आसपास आपको और एक बार बता देता हूँ। और देखिए, मैंने जो स्टॉप लॉस टारगेट बता रहा हूँ, अगर आपकी रिसेलिंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप इतना रिस्क लेके काम कर पाओगे तो अभी दोस्तों आप इस पे एंट्री कीजिएगा, नहीं तो आपको इस पे एंट्री नहीं करना चाहिए। तो मैंने ये लेवल के आसपास और एक बार आपको अपडेट कर देता हूँ, 15,325 लेवल के आसपास आपकी एंट्री रहेगा। जो टारगेट आएगा 15,475, मतलब ये लेवल के आसपास, और जो स्टॉप लॉस आ रहा है 15,250 ये लेवल के आसपास। तो 1:2 रेशियो पे आप ये निफ्टी फ्यूचर के ऊपर का पोजीशन बना सकते हो। अगर आपको ऑप्शन के ऊपर काम करना है तो ऑप्शन राइटिंग करके कैसे काम करोगे उसके बारे में भी मैं आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों, अभी निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर कैसे काम करेंगे उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। निफ्टी बैंक मतलब वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का पैटर्न है। तो निफ्टी बैंक के हिसाब से 36,340 रेंज के आसपास आज निफ्टी बैंक क्लोजिंग दिया है। तो देखिए, अगर आप निफ्टी और निफ्टी बैंक के बारे में देखोगे दोस्तों, आज निफ्टी 2.19% और निफ्टी बैंक 2.68% ऊपर की तरफ गया है। तो निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी बैंक थोड़ा ज्यादा बुलिश है। और देखिए, अगर आप ट्रेड लाइन ड्रॉ करके देखोगे तो देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेड लाइन के नीचे मार्केट कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा था, मतलब ये निफ्टी बैंक कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा था, आज ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ये मार्केट ऊपर की तरफ आया है। तो देखिए, ये लेवल के आसपास मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न ओपन कर देता हूं। देखिए दोस्तों, एक डिसेंट वॉल्यूम के साथ ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को आज बैंक निफ्टी क्रॉस करके ऊपर की तरफ आया है। तो देखिए, इस पे डिसेंट वॉल्यूम आ रहा है, फिर भी ये जो वॉल्यूम है इसका प्रीवियस ट्रेडिंग डे का वॉल्यूम से कम आ रहा है। इसीलिए दोस्तों, मेजर चांस है, कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, तो मेजर चांस है मार्केट एक रेंज के अंदर मूव करेगा। तो अगर आप निफ्टी बैंक के ऊपर कोई भी पोजिशन बनाना चाहते हो, मतलब अगर आप ऑप्शन राइटिंग के ऊपर आपकी पोजिशन बनाना चाहते हो, तो मैंने ये सजेस्ट करूंगा। देखिए, मार्केट अभी एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, तो ये जो रेंज आ रहा है
ये बेसिकली 36,150 से लेकर 36,450। तो देखिए अगर मार्केट ये रेंज से ऊपर की तरफ रहेगा तो आप इस पे पुट राइटिंग करके काम कर सकते हो। अगर मार्केट ये रेंज को क्रॉस करके नीचे आके ये लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है तो आप कॉल राइटिंग करके काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन देखिए आपका जो रिस्क है, कभी भी आपका कैपिटल का 2-3% से ज्यादा रिस्क लेके काम मत कीजिएगा। अगर आप फ्यूचर के ऊपर बाइंग का पोजीशन बनाना चाहते हो तो किसी लेवल के आसपास आपको बाइंग का पोजीशन बनाना चाहिए। दोस्तों बेसिकली अगर आप बाइंग का पोजीशन बनाना चाहते हो, ये 36,590 मतलब 36,600 लेवल के आसपास आप आपकी पोजीशन बना सकते हो। और अभी वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, इसीलिए 300 पॉइंट के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रखना है। तो 36,300 लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा और 600 पॉइंट टारगेट लेके आप जाओगे। तो देखिए जो टारगेट आएगा 37,200 लेवल के आसपास। तो देखिए 1:2 रेशियो पे आप अगर ट्रेड लेना चाहते हो फ्यूचर मार्केट पे तो आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा आप ऑप्शन राइटिंग के ऊपर काम करो, क्योंकि कल भी मैंने मेरे ग्रुप पे ऑप्शन राइटिंग के हिसाब से काम करूंगा और जो भी ट्रेड लूंगा ऑप्शन राइटिंग के ऊपर ही ट्रेड लूंगा। और मैं बेसिकली निफ्टी के ऊपर काम करता हूं तो मैंने निफ्टी के ऊपर ऑप्शन राइटिंग करके काम करूंगा। दोस्तों अगर आपको मेरे साथ डायरेक्ट लाइव मार्केट पे काम करना है तो आप बेसिकली जो ज्वाइन बटन है वो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ट्रेड विथ मी ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हो।